सत देशां दे भारतीय अंबेसडरां अते हाई कमिश्नरां ने मोगा जिला दे विकास लई हर तरह दा संभव सहयोग देण लई भरोसा दवाया है अते उनां वल्लों मोगा जिला दा दौरा भी कीता गया है। नाल ही एह भरोसा भी दवाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते उनां दी हर संभव सहायता भी कीती जावेगी। ओना वलो एह उम्मीद भी प्रकट कीती गई है कि एह समर्थन अग्गे भी जारी रहेगा। आओ सुनते हां अलग अलग देशों तो आए हुए भारतीय अंबेसडरां तो। दिल्ली तक तो आ जाता है, उम्मीद है कि ये दिल्ली तक तो आ नहीं जाएगा। और चाहिए या जिससे और कुछ बेनिफिट हो सकता है या कुछ सस्ती टेक्नोलॉजी आ सकती है तो वो हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी तक इन्होंने सबके लिए तो नहीं हो पाएगा। आप कह रहे थे कि दूसरे तो एक बार ही थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा, लोग देखेंगे और इससे बेनिफिट भी हो जाएगा, एनवायरनमेंट को भी हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा, तो अच्छी बात है। देन भी वो दो की बात की, वो भी दो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप मेंशन तो, भी करेंगे कि कौन से हैं? हाँ बिल्कुल, एक तो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का और दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज का, ये दो हैं जिसमें ये बट हमें उम्मीद है कि जो एक्साइटमेंट देखा है आज हमने ये बहुत अच्छा करेंगे। और अदरवाइज मेरे लिए क्योंकि मैं जिस देश में भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है टोगो, और टोगो की इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। और वो अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें इंडिया से मल्चर चाहिए है, हमें फॉरेस्ट्री थ्रेशर चाहिए है, ट्रैक्टर्स की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। तो यहाँ आके जो मैंने इंप्लीमेंट्स मशीनरी देखी है मुझे लगता है मैं जाके अपने जो स्टेक होल्डर है उनको बताऊँगा कि विलेज जो डिस्ट्रिक्ट है मोगा कितना अच्छे प्रॉस्परस हो रहा है, क्यों ना हम जो किसी से बातचीत करके कोशिश करें कि ये मशीनरी। कहने का मतलब है कि मोगा ने आपको एक गिफ्ट दे दिया। शलाघाजोग काम है, शलाघाजोग दूजे पास एक होर गल भी है कि तुसे सारे नाल लैके चलो, एक ते प्रॉब्लम का सलूशन है, दूसरा एटीट्यूड चेंज करना जी। के एटीट्यूड के चेंज करने लिए दो चीज़ा चाहिए ने, मास मूवमेंट इनवॉल्वमेंट ऑफ पीपल जिमें कोऑपरेशन कोलैबोरेशन कंपीटिशन सारे ग्रुपां नूं नाल लैके यूनिवर्सिटी नूं बाबा जी नूं यूथ नूं ते अपने आप जिहड़ा जिहड़ा तुहाडा टारगेट है वो मीट हुंदा। एंड टेक्नोलॉजी जिहड़ी बहुत वड्डा रोल प्ले करती है not only for the productivity but also for the climate change, oh tusi use kar rahe ho je machina dekho te main giniyan si gaya 13 type di machina mainu lag nazar aayi hai which you are using to get rid of parali and get it to do into fertilizer, so eh thoda ja vakhra nazar aaya mainu moga vich and I think I endorse everybody's view assi chairman sir question mera hai ki jehde haje vi kisan na jehde parali nu ag la rahe even deputy commissioner कहना चाहूँगी की देखे थोड़ा थल करो। सो अज असी जिहड़े मेरे कोलीग्स ने इत्थे सारे अंबैसडर्स अलग अलग कंट्रीज तो आए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोगा देखन लई, पहला सानू जिहड़े डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर ने उन्होंने एक बहुत वधिया प्रेजेंटेशन अरेंज की जिहदे च सानू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दी कॉन्सैप्ट और किस किन्ना काम हो रहा डिस्ट्रिक्ट लैवल पर उदे बारे जानकारी दिती गई और बहुत ही इंप्रेसिव है जो प्रोग्रेस इत्थे हो रही है, सारिआं नूं नाल लैके चल रहे हैं। बाबा जी नूं मिले असी इन्हां दे वल्लों और डीसी साहब वल्लों और यूनिवर्सिटी मतलब सारे स्टेक होल्डर्स नूं नाल लैके
एक मास मूवमेंट जड़ा क्रिएट करना ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट अगे बढ़ सके और सारे इंडिकेटर्स सारे पैरामीटर